अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीज़ हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करनी है HPLC के अकॉर्डिंग, वो है स्ट्रिप चार्ज रिकॉर्डर। और इसके बाद डाटा की प्रोसेसिंग किस तरह होती है, हमें किस तरह पता चलता है ये कौन सा कंपोनेंट है। इस लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ डिस्कस की है वो हमारे पास सिंपल सा था जी, डिटेक्टर। मुख्तलिफ डिटेक्टर डिस्कस किया था। सिंपल बात मैं अगर कहूँ जो डिटेक्टर का काम क्या होता है, जो आपके मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देगा कब कौन सा लदा हुआ है, कब कौन सा लदा हुआ है। अब उस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। सर जी, सर मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, अगर हम कहीं पर जाते हैं और हम चाहते हैं जी हमारे ये जो इवेंट्स हैं ये रिकॉर्ड हो जाए, हम कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, पिक्स वगैरह बना लेंगे, छोटी छोटी मूवीज़ बना लेंगे, क्लिप्स वगैरह सही कैमरे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर डाटे को रिकॉर्ड करने के लिए हम स्ट्रिप चार्ज रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ये तकरीबन इसी तरह ग्राफ बना के दे देते हैं आपको, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया ये जो आपका प्रोडक्ट है, ये जो सैंपल है, ये प्योर है, इम्प्योर है, इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। ये सारे का सारा खुद ब खुद सेल्फ ऑटो होता है, खुद ब खुद ही हो रहा होता है। हमने सिर्फ उसी चीज़ डिस्कस करनी है, स्ट्रिप चार्ज रिकॉर्डर होता क्या है। स्ट्रिप चार्ज रिकॉर्डर को समझिएगा, तो लास्ट में हमने कहा था जी डिटेक्टर, डिटेक्टर क्या करेगा, सिर्फ डिटेक्ट करके देगा सिग्नल्स को। ये हमारे पास डिटेक्टर है, डिटेक्टर ने सिग्नल्स को डिटेक्ट करके आगे पहुंचा देना, यहाँ से सिग्नल्स कुछ ना कुछ आएंगे, सही है। अगर तो हमने डिटेक्टर यूज़ किया वोल्टमेट्रिक या फिर एममीटर इस्तेमाल किया है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ मिकदार में करंट आएगा। करंट आने के बाद हमारे पास चला जाता है स्ट्रिप चार्ज रिकॉर्डर के अंदर, किसके अंदर चला जाता है, स्ट्रिप चार्ज रिकॉर्डर। आप स्ट्रिप चार्ज रिकॉर्डर को समझिएगा, स्ट्रिप चार्ज रिकॉर्डर। अब इसका क्या फंक्शन होता है, किस तरह काम कर रहा होता है, इस चीज़ को हमने समझना है। तो यहाँ पे असल में ये इस तरह कुछ होता है, मशीन होती है छोटी सी ये। अब इसके अंदर से ना पेपर निकल रहा होता है, इसके अंदर से इस तरह यहाँ से मिडल में से ही बाहर की तरफ पेपर मूव कर रहा होता है। अब इस पेपर के ऊपर खुद ब खुद ही यहाँ पर एक पेन होता है, ये मेरे पास एक पेन है और ये इसकी निब पड़ी हुई है। तो ये हमारे पास इस तरह पेपर बाहर की तरफ मूव करेगा, ये हमारे पास क्या है, पेपर मूवमेंट है, पेपर मूवमेंट। और इसको हम खुद एडजस्ट करते हैं कितनी रफ्तार से पेपर आपके इसके अंदर से बाहर की तरफ आए, तो ये चीज़ हम खुद सेलेक्ट करते हैं। तो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, ये पेपर आपको बाहर की तरफ मूव करेगा और यहाँ से जितने सिग्नल मिलेगा, अगर कम सिग्नल मिलेगा आपका पेन इस साइड पर रहेगा, लो सिग्नल मिलेगा तो पेन इस साइड पर रहेगा, अगर हाई सिग्नल मिलता है तो पेन जाता है इस साइड पे, हाई सिग्नल में पेन इस साइड पे जाएगा, बस इतनी बात याद रखनी है। अब देखें जैसे ही आपने रिकॉर्डर लगाया, रिकॉर्डर क्या करेगा, डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास, जो मिक्सचर होगा उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, ये बात तो हमें पता है, और उसका जो सिग्नल आता है वो भी मुख्तलिफ आएगा। जब सिग्नल मुख्तलिफ आएगा, वहाँ पे स्ट्रेंथ मुख्तलिफ होगी, तो पेन आपका इस तरह आगे पीछे मूव करता है, मूव करने की वजह से हमारे पास इस तरह का कुछ इसके ऊपर इस तरह की कुछ लाइनें आ रही होती हैं, और ये लाइनें हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं कि आया जो आपका कंपोनेंट्स हैं, जो आपने मिक्सचर यूज़ किया उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं। अगर तो हमारे पास सिर्फ ऐसे चले भी थोड़े से इसको इस तरह दो लाइनें आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपने जो मिक्सचर यूज़ किया है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं। तो ये आप इसे इसकी प्योरिटी का, इम्प्योरिटी का, सारी चीज़ों को मालूम कर सकते हैं। और इसके अलावा HPLC के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो फोरेंसिक लैब के अंदर है, किसी भी अननोन एलिमेंट के, जिस तरह वो डॉक्टर सालूम के होता है CID ड्रामे के अंदर, वो क्या करता है जी सैंपल ब्लड का लेता है, ब्लड का सैंपल लेने के बाद कहता है जी इस मरीज ने ये फलां वाला जहर खाया था। अब उसको कैसे पता कि ये फलां वाला जहर है, असल में उस ब्लड के अंदर से सैंपल लेके मुख्तलिफ जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड का जो कंपोनेंट्स होंगे वो तो उनके अंदर स्टोर होंगे, लेकिन जो अननोन कंपोनेंट आ रहा होता है उसका कंपैरिजन करते हैं, उनके पास डाटा पहले से पड़ा होता है, हज़ारों की तादाद से उनके पास, लाखों की तादाद से सैंपल्स के रिकॉर्ड पड़े होते हैं, जैसे उनके साथ जिसके साथ वो कंपैरिजन करते हैं, जिसके साथ वो आपका ग्राफ मैच आ जाता है, वो कहते हैं ये वाला कंपोनेंट है असल में, ये वाली चीज़ें इसके अंदर, इस तरह हमें कुछ पता चल रहा होता है। यहाँ पे यही बात मैं लिखूंगा स्ट्रिप चार्ज रिकॉर्डर के अंदर, सिंपल सी बात लिखूंगा, द पेपर मूव विद द कॉन्स्टेंट स्पीड
एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ पेपर तो बाहर की तरफ मूव कर रहा होता है, लेकिन सिग्नल्स की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन कह लें या मिकदार कह लें, जितनी सिग्नल्स की मिकदार होगी उसके लिहाज से आपका पेन पेपर के ऊपर मूव कर रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सही है, द पेन इज प्लेस, पेन को रख देते हैं ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर पेन को रख देते हैं एंड पेन इज मूव्ड, पेन हरकत करता है विद द अमाउंट कह लेते हैं, क्वांटिटी कह लें, अमाउंट ऑफ सिग्नल, सिग्नल की कितनी मकदार है उसके मुताबिक पेन आपका मूव कर रहा होता है। अमाउंट ऑफ सिग्नल एंड आ चार्ट इज फॉर्म, एंड आ चार्ट विद ग्राफ इज फॉर्म। आपके पास एक चार्ट बन जाएगा जिसके ऊपर ग्राफ सा बना होगा, इस तरह कुछ चाहिए वो इस तरह का होगा हमारे पास, ये इस तरह का हमारे पास चार्ट आ जाएगा। लेते ये था जी हमारे पास स्ट्रिप चार्ज रिकॉर्डर। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डाटा हैंडलिंग डिवाइस एंड माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद कौन सी चीज़ है, डाटा हैंडलिंग डिवाइस एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये वाली चीज़ें जो आज अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, डाटा हैंडलिंग डिवाइस का मतलब ये है कि आपका डाटा जाकर स्टोर कहाँ पे होगा। अब हमें किस तरह पता चलेगा ये जो चार्ट है ये किस कंपाउंड का है, अगर कोई अननोन है तो हमें किस तरह पता चलेगा, अगर तो इम्प्योरिटी है फिर तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि प्योर चीज़ का सैंपल आपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया होगा। सही है, वो जो चार्ट होगा वो प्योर के साथ प्योर मैच करते हैं, मैच करने के बाद अगर तो सेम आता है फिर कहेंगे ये जो चीज़ हमने बनाई है बिल्कुल प्योर है, अगर सेम नहीं आता तो ये चीज़ इम्प्योर होगी। ये बात एक याद रखिएगा। अब उनके पास पहले से बहुत सारे सैंपल्स पड़े होते हैं जिनके साथ वो कंपैरिजन करके, अगर तो हमने किसी अननोन चीज़ की को मालूम करना चाहते हैं कि अननोन चीज़ है क्या, सही, तो आप सैंपल्स पड़े होंगे वहाँ पे, सैंपल्स से कंपैरिजन करके, वो सारे का सारा काम कंप्यूटर का होता है, इंसान के इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो ये कंप्यूटर ने खुद ही कंपेयर करना है, कंपेयर करके आपको बता देना जी फलां एलिमेंट के साथ या फलां कंपाउंड के साथ ये वाली चीज़ सैंपल आपका मैच हो रहा है। पहले नंबर पर याद रखिएगा, सही, ऑल द डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद सेकंड नंबर में जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि जो डाटा आपके पास आएगा इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स भी रिकॉर्ड होते हैं जो प्योर एलिमेंट्स के होते हैं, वही हमारे पास पड़े होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स ऑफ रिकॉर्ड्स, मुतदा के रिकॉर्ड्स के जो सैंपल्स होते हैं वो पड़े होते हैं, आर रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर मौजूद होंगे जी। तो इसके बाद क्या होगा, अगर तो आपके पास कोई अननोन चीज़ को मालूम करना चाहते हैं, अगर तो उनके साथ कंपैरिजन करके जिससे हम मुवाजना करेंगे, अब वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आपका जो कंपोनेंट्स के मिक्सर है वो कौन कौन से हैं। तो ये द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर, क्योंकि हम मिक्सर के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर, जो मिक्सर के कंपोनेंट होंगे और मिक्सर कंपेयर करना मिक्सर विद के साथ विद द ऑलरेडी जो कि पहले से मौजूद है हमारे पास ऑलरेडी स्टोर डाटा
स्टोर्ड डाटा इन कंप्यूटर, डाटा इन कंप्यूटर, जब पहले से ही डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा उसके साथ कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करने के बाद हम ये वाली चीज़ें निकाल लेंगे। ये था जी हमारे पास सारी की सारी HPLC, तकरीबन तकरीबन 7 या 8 लेक्चर बने होंगे। इसके बाद लास्ट वाला हम बनाएंगे एप्लीकेशन ऑफ HPLC के, HPLC कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है ये चीज़ देखेंगे। यही था ये हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। और इसका लेने एक स्क्रीन शॉट इफ़ यू वॉन्ट।